हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट। ठीक, आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए मेनली। ठीक है, तो आरसी सर्किट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कैपेसिटर पढ़े होंगे, जो कैपेसिटर में आपने पढ़ा हो, जो भी पढ़ा है वो आफ्टर स्टेडी स्टेट का केस में पढ़ा है। लेकिन आरसी सर्किट क्या होता है? बिफोर स्टेडी स्टेट का केस होता है। बिफोर स्टेडी स्टेट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। तो देखते हैं क्या होता है आरसी सर्किट में। मान लेते हैं इस समय आपका पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो। यहाँ पे वी है, ठीक है, यहाँ पे जीरो। अगर एट टी इक्वल टू जीरो पे बात करें, टी इक्वल टू जीरो पे इसमें कोई चार्ज एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। ये कौन सा केस हम लोग रहे हैं? जस्ट बिफोर स्टडी स्टेट। यहाँ अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर टी इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा कितना? आई इक्वल टू वी बाई आर। ये तो क्लियर है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, क्योंकि अगर इसमें कोई चार्ज नहीं एक्युमुलेट हो रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे क्या होगा? वी बाई आर। लेकिन कुछ टाइम बाद एट टी इक्वल टू टी में क्या होगा? यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स उस पर चार्ज अगर आ गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी बैटरी। यहाँ पे तो हो गया हमारा कितना चार्ज आ गया? क्यू बाई क्यू, एंड इधर माइनस क्यू, ये हमारा चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे तो वी है। अब यहाँ पे वी है, करंट अब कितना फ्लो करेगा? इस पर तो चार्ज एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया टी टाइम में। ठीक, अगर चार्ज एक्युमुलेशन, तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्यू बाई सी, क्यू बाई, इस पॉइंट पे क्यू बाई सी। आपने पढ़ा है क्यू इक्वल टू सी वी, यही तो पढ़ा है कैपेसिटर में। तो क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना पोटेंशियल हो जाएगा? क्यू बाई सी। तो अब करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है ये आपको बताना है। आई कितना हो गया? आप ध्यान से देखो, तो वी माइनस क्यू बाई, वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, दैट इज द करंट। यही तो हुआ किसी टाइम टी में। ठीक, किसी टाइम टी में तो I इक्वल टू हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू वी सी माइनस क्यू बाई आर सी, ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं इसे, तो अभी हम लोग सेपरेट करते हैं। डी क्यू बाई वी सी माइनस क्यू इक्वल टू हाउ मच? डी टी बाई आर सी। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करें। अगर t इक्वल टू जीरो पे हमारा चार्ज क्या था? जीरो, वहां कोई चार्ज नहीं था, हमने देखा। t इक्वल टू t पे हमारा चार्ज क्या आ गया? q। ठीक है, अगर t इक्वल टू हमारा t पे चार्ज q आ गया, तो अब क्या करें? इसे इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अब बताओ? इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एलेंस सी वी माइनस क्यू जीरो टू क्यू इक्वल टू हाउ मच? टी बाई आर सी। माइनस टर्म इधर लेकर चले आते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो एल एन सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, हमें क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, टाइम के साथ कैसे हमारा चार्ज वेरी कर रहा है। ठीक है, चार्ज हमारा कैसे बढ़ रहा है, तो हम लोग देखें। तो यहाँ पे अगर सी वी माइनस क्यू इक्वल टू इरेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, और ये सी वी मल्टीप्लाई हो गया, डेट मीन्स क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ गया? सी वी इंटू ये इधर आएगा, तो वन माइनस इरेस टू माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का यूज करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो गया? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमारा टाइम के साथ कैसे चार्ज एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, मीन्स चार्ज उसमें बढ़ रहा है कैपेसिटर पे, ये हो गया। ठीक है, चार्ज अगर बढ़ रहा है, तो अगर बात करें टी इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या था? अगर टी इक्वल टू जीरो पे आप देखो, इसमें टी इक्वल टू अगर जीरो रख रहे हैं, तो ये जीरो जीरो रखेंगे तो वैल्यू वन, वन माइनस वन जीरो, मीन्स चार्ज हमारा टी इक्वल टू जीरो पे जीरो था। ठीक है, टी इक्वल टू अगर जीरो पे बात करें, तो क्यू हमारा क्या है? जीरो। अगर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे मीन्स माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? सी वी, मीन्स क्यू हमारा क्या आ जाएगा? सी वी, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा? हमारा मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कब एक्युमुलेशन होगा? टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। ठीक है, कॉल्ड स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक है, यही स्टेट आप पढ़े हो हर एक जगह कैपेसिटर में। उस केस में आप क्या पढ़ते हो? रेजिस्टेंस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि करंट का तो फ्लो नहीं होता है, आप ये मान लेते हो कि यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। इस पे चार्ज क्या हो गया? अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इधर सी वी माइनस सी वी, यही तो आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ये आपको आफ्टर स्टेडी स्टेट का केस होता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिफोर स्टेडी स्टेट का केस, जिसमें टाइम के साथ चार्ज हमारा एक्युमुलेशन हो रहा है और करंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स करंट हमारा घट रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है,
तो अगर आपसे बोला जाए यहां से करंट निकालने को, या इससे पहले कुछ और चीजें बात कर लेते हैं, इसमें आरसी हमारा क्या है ये देखते हैं। अगर आरसी की मैं बात करूं तो आरसी क्या है, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, टाउ से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, टाउ से डिनोट कर लेंगे। तो अब हमें लिखना हुआ अपना इक्वेशन, तो क्यू इक्वल टू, अब यहां पे देखें क्यू इक्वल टू हमारा क्या है, सीवी, सीवी के प्लेस पे क्या लिख दें, क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यू, क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यू कब आया, जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तब, ठीक है, वन माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये फॉर्मूला भी आप याद रख लो, ये फॉर्मूला आप याद रख लो तो ये भी बेस्ट है, ओके। अगर यहां से करंट निकालना हो तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट आपका क्या हो जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर मेरे को यहाँ पे करंट निकालना हुआ, ठीक है, अगर करंट निकालना हुआ आई, तो हम क्या लिखेंगे, dq by dt, अगर dq by dt लिखा, ठीक है, तो dq by dt यहाँ पे क्या है, q मैक्सिमम cv, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसका माइनस माइनस t by क्या हो जाएगा, मीन्स वन बाई टाउ इंटू रेस टू माइनस t by टाउ, यही तो होगा। ये समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, आई माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस, मीन्स सीवी अपॉन ये क्या हो गया, सीवी इंटू टाउ के प्लेस पे क्या रख दें, आर सी ई रेस्ट माइनस टी बाई टाउ, ओके। इसमें क्या कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल, मीन्स वी बाई आर, आई इक्वल टू माइनस टी बाई टाउ। ऐसे करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब करंट और इसमें रिलेशन देखते हैं, हमारा करंट तो आ गया, ठीक है, करंट आया यहाँ पे। अब इसमें अगर बोला जाए टी इक्वल टू जीरो पे ये टर्म क्या है, वन। अगर टी इक्वल टू जीरो पे हमारा, एट टी इक्वल टू जीरो पे अगर देखें तो आई इक्वल टू क्या है, वी बाई आर, जो मैक्सिमम था यही तो है, एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो, मीन्स आई क्या हो जाता है, जीरो। उस केस में क्या हो जाता है, जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो कैपेसिटर हमारा करंट फ्लो को नहीं करने देता है, करंट फ्लो ही नहीं करने देता है, तो उस समय हमारा करंट क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें, ठीक है, अब ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि क्यू वर्सेस, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, दो ग्राफ बनाते हैं, क्या चीज का, एक क्यू वर्सेस टी का एंड इधर आई वर्सेस टी का, ठीक है, आई वर्सेस टी का, ठीक। अब ग्राफ बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, t इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या है, जीरो, एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा चार्ज क्या है, cv, मतलब q मैक्सिमम कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे, तो हमारा चार्ज कैसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसमें i इक्वल टू जीरो पे, i सॉरी i t कर्म में, t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या है, अब ध्यान से देखें, t इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या है, v बाई आर, मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट जितना हमारा क्या है, v बाई आर, डेट मीन्स v बाई आर, ठीक है। एंड इन्फिनिटी टाइम बाद क्या हो रहा है, जीरो, डेट मीन्स ये हमारा डिक्रीज करते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और भी इसमें कुछ देखते हैं, हमारा जो इक्वेशन था q इक्वल टू सी वी वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, ये था। इसमें भी i इक्वल टू क्या है, v बाई आर ई रेस टू माइनस टी अपॉन टाउ, ये है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एट टी इक्वल टू वन टाउ में, वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, वन टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा चार्ज, अब देखो अगर वन टाइम कांस्टेंट यहां पे रखा तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी इंटू वन माइनस वन बाई ई, यहाँ पे वन टाइम कांस्टेंट रखेंगे तो टाउ टाउ कैंसिल आउट, वन बाई ई, ठीक है, माइनस वन मीन्स वन बाई ई, ओके। अगर माइनस वन बाई ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, आप ये करो तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी इंटू ई माइनस वन बाई ई, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.63 सी वी, मतलब मैक्सिमम का कितना परसेंट हो गया, वन टाइम कांस्टेंट की अगर बात करें, अगर वन टाइम कांस्टेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, वन टाइम कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम का 63%, 0.63 ऑफ क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम का 63% हमारा चार्ज एक ही टाइम कांस्टेंट में हो जाता है, ठीक है।
तो अब जितना भी बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। क्या है 63% ऑफ मैक्सिमम, वन टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट में हमारा क्या हो रहा है, इतना इंक्रीज का जा रहा है, लेकिन उसके बाद इन्फिनिटी टाइम में हमारा क्यू मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है सी भी। वैसे अब यहाँ पे करंट की बात करें, तो करंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर वन टाइम कॉन्स्टेंट लिया है एट टी इक्वल टू वन टाइम, ठीक है वन टाइम पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर इंटू वन बाई ई, यही होगा। अब वन बाई ई मीन 0.37 ऑफ वी बाई आर, मीन्स इतना रिड्यूस होकर के कितना हो जा रहा है 0.37, मीन्स कहाँ तक आ जा रहा है वी बाई आर से सीधे हमारा वन टाइम कॉन्स्टेंट में, अगर वन टाइम कॉन्स्टेंट में 0.37 ऑफ वी बाई आर, तो आप देखो कितनी जल्दी हमारा करंट डिक्रीज किया वन टाइम कॉन्स्टेंट में भी इतनी जल्दी, जैसे कैपेसिटर हमने यूज किया, ठीक है ठीक स्विच ऑन किया तो हमारा क्या हो गया तुरंत डिक्रीज होना, क्योंकि चार्ज उसमें एक्युमुलेशन इंक्रीज हो गया, मीन्स वन टाइम कॉन्स्टेंट में हमारा चार्ज एक्युमुलेशन बहुत फास्ट हुआ 63% हो गया मैक्सिमम का, तो इसलिए हमारा करंट डिक्रीज करता गया, लेकिन टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर हमारा करंट जीरो हो रहा है, जिसे हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर जाकर क्यू मैक्सिमम हो रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज अगर समझ में आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी आगे देखते हैं कुछ चीजें जो बात करते हैं इसमें, सपोज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद कैपेसिटेंस, ठीक कैपेसिटेंस दिया हुआ, बैटरी है वी, ठीक इसमें मान लेते हैं करंट आया, अगर आई तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वी आर, और इसके बीच में पोटेंशियल क्या हुआ वी सी, अगर कैपेसिटेंस सी है तो चार्ज क्यू इसमें एक्युमुलेट हुआ तो, ठीक है किसी टाइम टी की बात कर रहे हैं। तो ये लिखना हुआ चार्ज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे सी वी वन माइनस ई टू माइनस टी अपॉन टाऊ या आर सी, यही तो लिखेंगे, और आई के प्लेस पे वी बाई आर ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ये चीज लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब आपसे बात किया जाए कि आप बताओ कितना ड्रॉप हुआ रेजिस्टेंस के अंदर, कितना ड्रॉप है कैपेसिटेंस के पास, ठीक है। तो वी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे आई इंटू आर, जितना आई फ्लो हो रहा होगा, आई क्या है वी वी बाई आर, ठीक है ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी इंटू आर, लेट मी से कैंसिल आउट, आपका कितना हो गया वी ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, इतना लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब वैसे ही अगर वी सी की बात करें तो वी सी क्या हो जाएगा क्यू बाई सी, लेट मीन्स क्यू हमारा क्या है सी वी इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन सी, सी सी कैंसिल आउट मीन्स वी वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, ये टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एनर्जी के बारे में बताओ, एनर्जी निकालो किसी भी टाइम में, ठीक है तो एनर्जी आप कैसे निकालते हो ये बताओ, एनर्जी आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यही तो लिखते हो अगर चार्ज है तो क्यू स्क्वायर आपका क्या आ गया यहाँ पे, आप ध्यान से देखो क्यू क्या है सी वी मीन सी वी का होल स्क्वायर इंटू वन माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर बाई टू सी, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप एनर्जी याद करो कैपेसिटर, यहां से कंपेयर करता हूं मैं कुछ कैपेसिटर के बाद, ठीक है अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, ठीक है अगर कैपेसिटर की बात करता हूं तो यहां पे अगर वी है सी वी माइनस सी वी, यही तो चार्ज होगा इस पे, ठीक है तो एनर्जी इसमें कितनी स्टोर होती है अब बताओ, याद करो बैटरी तो आपको कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है, कितना बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है सी वी स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ गया कहाँ, हाफ गया कहाँ ये तो आपको समझ में आना चाहिए, हाफ गया कहाँ तो आप बोलते हो कि हीट लॉस हो गया, हीट का लॉस हो गया, वो हाफ कहाँ चला जाता है सी वी स्क्वायर, हाफ तो लॉस हुआ ना क्योंकि यहाँ तो सी वी स्क्वायर गया, बैटरी तो सी वी स्क्वायर लेकिन हमारा कितना स्टोर किया हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ गया कहाँ तो लॉस हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, क्यों लॉस हुआ ये भी तो बात हो गया। तो हमारा क्या था बिफोर स्टेडी स्टेट केस में, मतलब स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस में लॉस हुआ, कहाँ लॉस हो गया रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हुआ। तो जो भी आप पढ़ते हो आफ्टर स्टेडी स्टेट केस में कैपेसिटेंस में आप पढ़ लेते हो कितना आया एनर्जी स्टोर किया, हीट में हमारा इतना लॉस हुआ। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्यों लॉस हुआ, तो रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये हम लोग तो पढ़ते हैं जो भी पढ़ रहे हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, ठीक है लेकिन बिफोर स्टेडी स्टेट में तो रेजिस्टेंस का भी टर्म आता है, तो रेजिस्टेंस भी होता है किसी भी सिस्टम में रेजिस्टेंस तो रहता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो उसमें लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो यहाँ पे अगर टी की वैल्यू जीरो रखें तो ये टर्म हमारा क्या है एनर्जी,
अब देखो जीरो हो गया, अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखें, अगर इन्फिनिटी रखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ये टर्म जीरो, सी बी स्क्वायर अपॉन टू सी मीन हाफ सी बी स्क्वायर। आपका फॉर्मूला याद समझ में आ गया कि क्या हो गया, टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम में हमारा क्या हो रहा है। आप देखो तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम में हमारा क्या आ रहा है, हाफ सी बी स्क्वायर मीन्स इतनी एनर्जी स्टोर है, तो इतनी गई कहाँ, हीट लॉस में। जैसे हीट अगर निकालना हुआ तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, अगर सिस्टम ऐसा दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे बैटरी, ठीक है, ये कैपेसिटेंस सी, ये आर, तो आप क्या करो इंटीग्रेट करके देख लो, जीरो टू इन्फिनिटी आई स्क्वायर आर डी टी, आई की वैल्यू रखो कितना, वी बाई आर इंटू ई टू रूपा माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, आप इंटीग्रेट करो, आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, हाफ सी बी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इन्फिनिटी टाइम में कर रहे हो, इन्फिनिटी टाइम में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वहां पे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, मीन्स आफ्टर स्टेडी स्टेट का केस हो जाएगा, लेकिन किसी टाइम टी में आपका हीट आपने देख लिया कि किसी टाइम टी में अगर निकालना हो, ठीक है, बिफोर स्टेडी स्टेट, तो आपका एनर्जी क्या होगा, ये होगा एनर्जी, ये रहेगा, तो आप हीट निकालना है तो निकाल सकते हो, आपका जितना क्या है बैटरी वर्क कर रहा है माइनस एनर्जी, आपका हीट में लॉस निकल जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। थोड़ा और भी क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अपना और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, दो सर्किट दिए हुए हैं जिसमें R1 C1 एंड V पोटेंशियल दोनों के लिए सेम दिया हुआ है, R2 C2 दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है Q और T का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस सर्किट वन के लिए है कर्व, ये सर्किट टू के लिए, दोनों के लिए मैक्सिमम चार्ज जो है सेम है, दोनों के लिए मैक्सिमम क्या है चार्ज सेम है, ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन तो देख लें, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कि आप कमेंट बताओ, कमेंट ऑन सी, ठीक है, ऑप्शन चार दे रहा है, सी वन ग्रेटर देन सी टू, बी में सी वन लेस देन सी टू, सी में, ठीक है, सी वन इक्वल टू सी टू एंड डी में नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप समझो, सोचो क्या करेंगे, तो आप कैसे इसमें बताओगे, तो आपको देखना होगा कि इसमें क्या बोल रहा है, ग्राफ देखना होगा, ग्राफ में क्या है, दोनों के लिए क्यू मैक्सिमम क्या है सेम है, मीन्स क्यू मैक्सिमम वन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम टू, क्यू मैक्सिमम वन इक्वल टू क्यू मैक्सिमम टू, ये लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब क्यू मैक्सिमम वन के लिए क्या होगा, सी वी वन, सॉरी सी वन वी, दोनों के लिए तो हमारा क्या है वी तो सेम है, इसके लिए सी टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम, मीन्स सी वन इक्वल टू सी टू, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और भी पूछा जा सकता है इसमें, कमेंट ऑन आर, ठीक है, सेकंड पार्ट कर देगा, कमेंट ऑन आर, रेजिस्टेंस पे कमेंट करो, रेजिस्टेंस में भी यही चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि आर वन ग्रेटर देन आर टू, बी में आर वन लेस देन आर टू, सी में आर वन इक्वल टू आर टू एंड डी में एनओटी नॉन ऑफ दिस। तो आप इसमें कैसे निकालोगे, अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब सोचो उसके बाद आंसर देखना, ठीक है, हम लोग देखते हैं आंसर इसका। अब आप बताओ, यहां पे देखते हैं ग्राफ से, अगर टाइम कांस्टेंट की बात करें तो वन टाइम कांस्टेंट, इसके लिए वन टाइम कांस्टेंट यहां पे होगा, वन टाइम कांस्टेंट वन के लिए ये किसके इक्वल होगा, 0.63 ऑफ क्यू मैक्सिमम, इसके लिए वन टाइम कांस्टेंट इसी के इक्वल होगा 0.63 ऑफ दिस, मीन्स इसके लिए वन टाइम कांस्टेंट इसके लिए भी इतना ही होगा, तो इसमें टाइम कांस्टेंट कौन ज्यादा है, टी टू ज्यादा है, ये समझ में आ रहा है कि टी टू आपका टाइम कांस्टेंट क्या है, दोनों के लिए इस पॉइंट पे क्या है सेम है, मीन्स टी टू आपका क्या है टाइम कांस्टेंट ज्यादा है टी वन से, ये तो समझ में आ रहा है कि टी टू क्या है ज्यादा है टी वन से, टी टू क्या हो गया आर टू सी टू, आर सी होता है ना टाइम कांस्टेंट, हाँ मीन्स आर वन सी वन, बट हमें क्या पता है सी वन इक्वल टू सी टू, ऊपर से हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, अगर ये है इसमें क्या होगा ये कैंसिल आउट, आर टू ग्रेटर देन आर वन। तो आप ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आर टू ग्रेटर देन आर वन, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी करंट का भी कर्व दे देगा, तो करंट से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन जेई में आप पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से आप लोग अब समझना, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड आई आई वन एंड आई टू, आई वन एंड आई टू, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी, दो कंडीशन दिए हुए हैं कि एक बार जीरो पे निकालना है एक बार इन्फिनिटी पे निकालना है, ठीक है। तो आप अब ध्यान से आप देखना है क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत सारे आएंगे, तो आपको करने का तरीका आना चाहिए। अब सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। पहले क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे आप याद करो, टी इक्वल टू जीरो पे क्या था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे क्या था, टी इक्वल टू जीरो पे इस पे कोई चार्ज एक्युमुलेशन था, टी इक्वल टू जीरो पे नहीं। अगर चार्ज एक्युमुलेशन नहीं था तो यहाँ पे क्या है, करंट पूरा पूरा फ्लो कर रहा था। अगर पूरा पूरा फ्लो कर रहा था तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, रिप्लेस कैपेसिटर बाई ए सिंपल वायर, सिंपल वायर, ठीक है। इसे क्या करना है आपको याद रखना है, टी इक्वल टू जीरो पे क्या करना है, इसको सिंपल वायर से रिप्लेस, क्यों, क्योंकि उस पर कोई चार्ज एक्युमुलेशन नहीं, मिस क्या था, जो यहाँ पे पोटेंशियल था, अगर जीरो माने जीरो माने जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, मिस हमें ये क्या है सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, अगर सिंपल वायर से रिप्लेस किया तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा अगर सिंपल वायर से, ये तो हमारा रेजिस्टेंस ऐसे ही रहेगा, इसमें कैपेसिटर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, अब सिंपल वायर हो गया, मीन्स आर आर ई आर, ठीक है। यहाँ पे वी है तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई यहां से फ्लो कर रहा है, इधर आई वन एंड इधर आई टू, यही तो निकालना है। तो अब देखते हैं आई हमारा कितना हो गया, आई कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आई इक्वल टू वी वाई आर इक्वेलेंट, यही तो होता है आई, जो हमारा नेट करंट फ्लो करता है, तो आई हमारा इतना वी बाई आर इक्वेलेंट, वी हमारा कितना है, वी ही है, आर इक्वेलेंट कितना है, ये आर 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 बाई टू प्लस आर, मीन्स थ्री आर बाई टू, थ्री आर बाई टू, दैट मीन्स टू वी बाई थ्री आर, ये हमारा आई निकल गया, ठीक है। अब हमें आई वन चाहिए, तो आई वन कैसे निकालेंगे, अब आई वन आई टू हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे दोनों क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल है, अगर दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कितना है, टू वी बाई आर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे कितना चला जाए, वी बाई थ्री आर, ठीक है, एंड आई टू इक्वल टू वी बाई थ्री आर, ठीक है। ये तो हमारा किस केस में निकला, एट टी इक्वल टू जीरो में, ठीक है। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी का केस देखते हैं, अब टी इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हो गया, मान लेते हैं एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, मीन्स कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज, कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज, अगर फुली चार्ज हो गया तो अब करंट को फ्लो करने देगा, नहीं फ्लो करने देगा, मीन्स इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो, इट विल नॉट अलाउ टू फ्लो द करंट, ठीक है, फ्लो द करंट, अगर करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा है तो कैसा हो गया, ओपन सर्किट जैसा, सो इट बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट। अब कैसा वो बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर ओपन सर्किट, टी इक्वल टू जीरो पे एक्सप्लेन वायर से हमने जोड़ा था, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया, अगर फुली चार्ज हो गया तो वो करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, तो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ओपन सर्किट करेगा तो अब उसके लिए सर्किट बनाते हैं, ये हमारा रहा, ये तो हमारा वो इनिशियल, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे कैपेसिटर है वहां पे चेक करना, ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर था, ये आर था, यार ठीक है, अगर आर था तो अब क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, तो अब इस रेजिस्टेंस का कोई यूज है नहीं, है सर्किट का पार्ट ही नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है, अगर इसमें आई टू आपको दिया पूछा गया था, आई वन ये रहा एंड आई ए, तो अब ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो ये सर्किट का पार्ट नहीं हुआ, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर प्लस आर, क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं है, ये पार्ट नहीं है तो इसे तो हटा देंगे, तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, तो आई कितना हो जाएगा, वी बाई टू आर, वी बाई टू आर, वी बाई टू आर, तो आई वन भी कितना हो जाएगा, करंट तो यहीं से यहीं पे चला जाएगा, ऐसे ही घूमेगा, तो आई वन भी वी बाई टू आर, आई टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है कि क्या चीज होगा, ठीक। तो एक चीज आपको याद रखना है इसमें, इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या याद रखना, आप स्टार मार्क करके नोट कर लेना कि कैपेसिटर एक्ट एज ए सिंपल वायर, ठीक है, सिंपल वायर एट टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, सिंपल वायर, एंड क्या हो जाएगा, कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट, एज एन ओपन सर्किट, ठीक है, सर्किट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी,
ये चीज आपको याद रखना है कि t इक्वल टू जीरो पे क्या करना है, सिंपल वायर करना है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपको ओपन सर्किट करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं कि क्यू मैक्सिमम निकालो, ये बताओ सब कुछ। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें आसानी हो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ये सी है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड करंट एट टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या करोगे, करंट कैपेसिटर को एक्ट एज ए प्लेन वायर, डेट मीन्स आपका सर्किट सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट आप बना लोगे तुरंत, ये सर्किट आप बना लिया, यहाँ पे V है, 2R, 2R एंड R, ठीक है, इसमें मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, इधर I1, इधर I2, ऐसे मान लिया। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पे I है, यहाँ पे I1 एंड इधर I2, तो आप क्या करोगे, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R इक्वेलेंट, R इक्वेलेंट क्या है, V बाई R इक्वेलेंट क्या है, 2R, 2R हमारा पैरेलल में, मीन्स R, R प्लस R, 2R, ठीक है, I, I निकल गया, लेकिन I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हमारा ये दोनों अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो डायरेक्ट हमारा सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट दोनों में हाफ हाफ करंट फ्लो कर जाएगा, तो हमारा आई कितना गया, वी बाई टू आर, तो इसका हाफ इधर चला जाएगा, मीन्स वी बाई फोर आर एंड आई टू वी बाई फोर आर। ठीक है, तो ये तो हमारा केस बहुत आसान है, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, पता है क्यों, क्योंकि टी इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी में कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट, कैपेसिटर एक्ट एज ए ओपन सर्किट, तो हमारा वो वाला सर्किट कैसा हो जाएगा। अब देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी में हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन, ओपन सर्किट, ये हमारा वैसे हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये, ठीक है, ये 2R, 2R, ये R, ये ओपन सर्किट हो गया। अगर ओपन हो गया तो ये सर्किट का पार्ट रहा क्या, बिल्कुल पार्ट नहीं रहा, तो इसे तो हटा देंगे क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, मीन्स आई टू उधर फ्लो ही नहीं कर रहा है, सिर्फ आई वन फ्लो कर रहा है और I यहाँ से। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो गया इस केस में, R इक्वेलेंट V बाई R इक्वेलेंट, V बाई R इक्वेलेंट कितना है, 2R प्लस R, डेट मीन्स 3R, तो I1 हमारा कितना हो गया, I1 V V बाई 3R, क्यों, क्योंकि करंट उसमें तो जा ही नहीं रहा है, I2 में, I2 क्या है, जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। ये समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आफ्टर स्टेडी स्टेट का केस हो जा रहा है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इसलिए ओपन सर्किट जैसा हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट, ठीक है, तो इसमें करंट ही नहीं जा रहा। लेकिन अब हमारा दूसरा केस, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया पहला पार्ट का। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया, फाइंड क्यू मैक्सिमम ऑन कैपेसिटर। ठीक है, फाइंड क्यू मैक्सिमम ऑन कैपेसिटर, तो इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अब क्यू मैक्सिमम कब होता है, ये ध्यान से सोचो, क्यू मैक्सिमम कब होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तभी तो स्टेडी स्टेट आता है, स्टेडी स्टेट आता है तो हमारा क्यू मैक्सिमम होता है, तो मीन्स क्यू मैक्सिमम होने के लिए हमारा क्या होता है, ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, अब मैक्सिमम चार्ज एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्यू मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में क्यू मैक्सिमम कब होगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, क्यू मैक्सिमम, क्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हमें पोटेंशियल वहां पे देखना होगा कि पोटेंशियल कितना है, तभी तो हम पोटेंशियल इंटू कैपेसिटर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्ट एज ओपन सर्किट, यहाँ पे 2R एंड दिस वन इज, अब इसे ध्यान से समझना है। ठीक है, ये R, 2R एंड 2R, ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया। अगर ये है तो यहां से हम कैसे निकालेंगे ये चीज, अब बताओ आप कि कैसे हम लोग निकालेंगे, वो यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लो, ये जीरो, ये जीरो, ये क्या है, V है, लेकिन यहाँ पे कितना जा रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें, अब बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, V बाई कितना कर रहा है, 3R, यही तो हमने निकाला था। आई यहाँ पे कितना करंट यहाँ से फ्लो किया, आई V बाई 3R, क्यों, क्योंकि ये तो पार्ट ही नहीं है इसका, अगर पार्ट नहीं है तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो इसमें कोई ड्रॉप होगा ही नहीं पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिर्फ करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है, V बाई 3R, अगर V बाई 3R है तो यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे कितना का ड्रॉप हो गया, V बाई 3 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, 2V बाई 3। ये समझ में आया कि ये कैसे लिखा, यहाँ पे कितना का ड्रॉप हुआ, V I इंटू R, I कितना है हमारा, V बाई 3R,
वी बाई थ्री आर, तो मीन्स वी बाई थ्री आर का ड्रॉप हो गया यहाँ पे, इतना का ड्रॉप हुआ तो हमारा इतना कितना हो गया वी माइनस वी बाई थ्री इक्वल टू टू वी बाई थ्री, हमारा यहाँ पे आ गया वी बाई टू वी बाई थ्री। इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल भी यही है टू वी बाई थ्री, तो इसके बीच में पोटेंशियल क्या होगा टू वी बाई थ्री, क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं है, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो इसमें ड्रॉप होना ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ गया टू वी बाई थ्री। अब टू वी बाई थ्री अगर आ गया उसमें तो हमारा क्यू मैक्सिमम क्या होता है पोटेंशियल, यहाँ पे कितना का ड्रॉप है तो पोटेंशियल कितना आ गया हमारा टू वी बाई थ्री, तो क्यू मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा सी इंटू टू वी बाई थ्री, दैट मीन्स टू सी वी बाई थ्री इज योर क्यू मैक्सिमम। तो जब भी मैक्सिमम चार्ज निकालना होगा तो आप क्या करोगे टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसको एक्ट एज ओपन सर्किट मान लोगे, उसके बाद से आप निकाल लोगे, ठीक है, ये चीज समझ में आया। और भी तरीका है कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज का इक्वेशन लिखो, ठीक है, किसी टाइम टी में, तो आप कैसे लिखोगे ये चीज भी देख लेते हैं, एक लॉन्ग मेथड से देखते हैं उसके बाद एकदम शॉर्ट मेथड से भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कि कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में तो आप लॉन्ग मेथड प्रीफर नहीं करोगे, आप सोचोगे कि शॉर्ट मेथड तुरंत एक लाइन में देखते ही कर ले, तो एक लाइन में देख कर करने का मेथड मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग अपना प्रोसीजर समझ लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी नहीं पूछा जा रहा है, किसी भी टाइम टी पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे चार्ज क्या होगा, तो किसी टाइम टी पे इस पे चार्ज कुछ क्या हो गया होगा क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ का अगर पोटेंशियल जीरो मानू, इधर क्या हो जाएगा वी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो एंड जीरो, ठीक है, यहाँ पे क्यू बाई सी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा क्यू बाई सी, ये तो समझ में आ रहा है क्यू बाई सी क्यों लिख रहा हूँ, क्यू इक्वल टू सी भी होता है तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, लेकिन अब यहाँ का तो पोटेंशियल पता ही नहीं है, अब पता नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसमें करंट देन चार्ज निकालेंगे, हाँ तो पोटेंशियल निकालना होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या मान ले एक्स, अगर एक्स मान ले रहे हैं तो अपना किरचॉप्स करंट लॉ याद करो, किरचॉप्स करंट लॉ से हम लोग क्या करें, हर एक डायरेक्शन में मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, मीन सबसे हायर पोटेंशियल, तो किरचॉप्स लॉ लगाए तो इसमें क्या हो जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है एक्स माइनस वी बाई आर प्लस एक्स माइनस हाउ मच जीरो बाई आर प्लस एक्स माइनस हाउ मच क्यू बाई सी बाई आर इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री, थ्री एक्स, और नीचे आ रहा है तो आर तो उधर चला गया, तो हमारा थ्री एक्स इक्वल टू हाउ मच वी प्लस क्यू बाई सी, दैट मीन्स सी वी प्लस क्यू बाई सी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई सी वी प्लस क्यू बाई थ्री सी। अब x आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसके बीच में करंट निकल गया, इस रेजिस्टेंस के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यही तो करंट हमारा फ्लो करेगा, तो इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट, यही तो होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो चार्ज एक्युमुलेशन होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे I, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे I इक्वल टू एक्स माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, यही तो होगा, x हमारा इधर का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल माइनस क्यू बाई सी, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर इक्वल टू इसमें करंट फ्लो, इतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू सी वी प्लस क्यू बाई थ्री सी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, दैट मीन्स सी वी माइनस हाउ मच, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है सी वी माइनस, सी वी माइनस टू सी, मीन्स इधर थ्री थ्री क्यू माइनस सॉरी टू क्यू, ठीक है, टू क्यू बाई थ्री आर सी, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आई के प्लेस पे क्या लिखें डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू सी वी माइनस टू क्यू बाई थ्री आर सी, तो यहां से अगर सॉल्व करें, ठीक है, अब सॉल्व करें इंटीग्रेट करें किसी टाइम टी में, अब ऐसे ही डी क्यू बाई सी वी माइनस टू सी टू क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन थ्री आर सी, अब इंटीग्रेशन जीरो पे क्या है चार्ज जीरो है, एट एनी टाइम टी पे चार्ज क्या है क्यू है, अब इसे सॉल्व करेंगे फाइनल निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू कुछ सी वी बाई टू वन माइनस सी रेस टू माइनस टू टी अपॉन थ्री आर सी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लॉन्ग प्रोसीजर हो गया, आपको ऐसे निकालना है, अगर जनरल प्रोसीजर से निकालना हुआ तो ऐसे आप निकालोगे, इसे सॉल्व करना आप आएगा यही, ठीक है, तो आपका जनरल प्रोसीजर हो गया निकालने का, ठीक है। लेकिन हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकाल लेंगे, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम में फास्ट निकालना है, इतना तो टाइम रहेगा नहीं कि इसको इंटीग्रेट करें, ये इतना लंबा प्रोसीजर करके निकालें,
तो अब कैसे सोचेंगे? अब बताओ आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था q का, एट एनी टाइम q मैक्स इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी, यही तो फॉर्मूला बताया था, यही तो डिराइव किए थे हम लोग। हाँ यही डिराइव किए थे। तो r यहाँ पे क्या होगा, r इक्विवेलेंट इंटू सी। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, r इक्विवेलेंट, आपको क्या याद रखना है, r इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे q मैक्सिमम, ठीक है। अब अपना सर्किट चलते हैं, देखते हैं सर्किट क्या था। अब सर्किट हमारा ये था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। ये बैटरी, ये हमारा सर्किट था ऊपर वाला, हमने यही तो यहाँ पे आर आर आर, ये वी, ठीक है। क्यू मैक्सिमम यहाँ पे है, क्या है क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम कब चार्ज आता है आप याद करो, मैक्सिमम चार्ज कब आता है, ध्यान दो ध्यान दो, अभी ऊपर बताया, मैक्सिमम चार्ज जब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है। हाँ मैक्सिमम चार्ज तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आता है, मीन्स एट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q इक्वल टू q मैक्स, यही तो होता है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे q इक्वल टू q मैक्स, दैट मीन्स ये हमारा क्या करेगा, एक्ट एज ए ओपन सर्किट, एक्ट एज ए ओपन सर्किट, दैट मीन्स ये हमारा, तो ये पहला वाला ऐसे ही रह गया हमारा, एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। आर आर आर, अब एक्ट एज ए ओपन सर्किट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लें एंड इनटू कैपेसिटर कर लें, तो वही तो हमारा मैक्सिमम चार्ज होगा। क्या मतलब, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस इक्वल टू हमारा क्यू मैक्स, तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा। तो कैसे देखेंगे, ये वी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, अब बताओ वी बाय टू आर, वी बाय टू आर, क्यों, क्योंकि इस सर्किट का तो यूज ही नहीं है, ओपन सर्किट हो गया तो इसमें लेंगे नहीं, तो वी बाई I इक्वल टू वी बाई टू आर, ये तो करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, अगर यहाँ पे जीरो माने तो ये क्या हो गया जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ पे अगर V है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, करंट I इक्वल टू वी बाई टू आर फ्लो कर रहा है अगर, तो इसमें कितना हो जाएगा V बाई टू आर इंटू आर, ठीक है, तो V बाई टू ड्रॉप हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे V बाई टू, अगर V बाई टू यहाँ पे भी, तो यहाँ भी V बाई टू, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा V बाई टू, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ पोटेंशियल V बाई टू, अगर यहाँ पोटेंशियल V बाई टू, ये जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बाई टू, ओके, तो चार्ज क्या हो गया C इंटू V बाई टू, दैट मीन्स सी वी बाई टू, ये क्या है आपका मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज और भी ध्यान से देखना है इसे, अब R इक्विवेलेंट चाहिए, हमारा मैक्सिमम तो मिल गया यहाँ का, अब दूसरा चीज R इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो हम फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, हाँ अप्लाई कर लेंगे, तो अब R इक्विवेलेंट के बारे में सोचते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर R इक्विवेलेंट, ये चीज अब ध्यान से देखना, फॉर R इक्विवेलेंट रिप्लेस रिप्लेस बैटरी बाय ए सिंपल वायर, सिंपल वायर, ठीक है, रिप्लेस बैटरी बाय ए सिंपल वायर एंड कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर सीटर, ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या करना है, R इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर R इक्विवेलेंट, किसके लिए, फॉर R इक्विवेलेंट क्या करना है, ये चीज आपको याद रखना है, रिप्लेस बैटरी बाय ए सिंपल वायर एंड कैलकुलेट R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले में देखते हैं, ये क्या है बैटरी है, बैटरी को क्या करना है, सिंपल वायर मतलब प्लेन वायर, ठीक है, तो हम बैटरी को प्लेन वायर कर दिया, ये हमारा आर, ये हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस, अब हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब इसके बीच में पूछा जाए इसके अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये बी के अक्रॉस निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस निकालना है, तो अब क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये भी आर है, आर है आर, तो ये आर आर क्या आ गया पैरेलल में, मिस आर बाई टू, और ये सीरीज में, मिस आर बाई टू प्लस आर, थ्री आर बाई टू, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं, फॉर्मूला क्या था, क्यू मैक्सिमम वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो क्यू मैक्स, क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यू मैक्सिमम क्या है सी वी बाई टू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या है थ्री बाई थ्री आर बाई टू इंटू सी इक्वल टू सी वी बाई टू वन माइनस सी रेस टू टू टी बाई थ्री आर सी, आपका आ गया,
अब देखो तो एक लाइन में दो लाइन में हम लोग आ गए, जो इतना डिराइव करके निकाले थे यही तो था, यही तो निकाले थे हमने इंटीग्रेट करके यहाँ पे, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कैसे निकालना है, ठीक है। और भी ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड क्यू मैक्स, क्यू मैक्स चाहे आपको क्यू भी पूछा जाए कि क्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, पहले क्यू मैक्स निकाल लो, क्यू मैक्स निकाल लिए तो क्यू तो निकालना और आसान हो जाएगा। तो क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे, इसको क्यू मैक्स कब आता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा ये क्या करता है, एक्ट एज ए ओपन सर्किट, एक्ट एज ए ओपन सर्किट डेट मीन्स ये हमारा क्या है, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा दिस दिस एंड ओके ऐसे कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे 10 वोल्ट, ये क्या है 6 ओम एंड 3 ओम 4 ओम 4 ओम, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस, ये दोनों के बीच में दिस, ठीक है, ये चीज रहा। तो अब हमें क्या है, ये गैपिंग कर दिया यहाँ पे ओपन सर्किट, तो हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, तो आप सोचो अब कैसे निकालें यहाँ पे, तो अब निकालना है तो इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, अब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे जीरो मीन्स 10 वोल्ट, तो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, ये दोनों इक्वल है तो जीरो से फाइव, 10 से फाइव हो रहा होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट बचा, 5 से जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है, यहाँ पे जीरो वोल्ट है, तो इसमें कितना ड्रॉप हो रहा होगा इसके अक्रॉस, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 10/9, 6+3 9, उतना ही तो करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 10/9 करंट फ्लो कर रहा है इसमें। एक समझ में आया कैसे करंट निकाला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस, तो वही तो करंट फ्लो कर रहा होगा, हाँ, तो 10 6+3 9, तो 10/9 करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, तो 10/9 करंट फ्लो किया इनटू रेजिस्टेंस क्या है 6 मीन्स हाउ मच, 3 2 मीन्स 20/3 का ड्रॉप हो रहा होगा, तो 20/3 का ड्रॉप हो रहा होगा तो कितना बचेगा, तो 10 - 20/3 दैट मीन्स 10 - 20/3 मीन्स 10/3 वोल्ट, यहाँ का क्या हो जाएगा 10/3 वोल्ट। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 5 - 10/3, यही तो हुआ 5 - 10/3, तो हमारा क्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा सी इंटू 5 - 10/3 मीन्स सी हमारा क्या है 2 × 15 - 10/3 मीन्स 5/3 इज 10/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इतना माइक्रो कूलम, क्यू मैक्सिमम निकल गया। अब क्यू निकालना हो तो क्या आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना होगा, तो आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस निकाल लो, इसे क्या मानेंगे प्लेन वायर, तो प्लेन वायर मान लेंगे तो इस ये दोनों को रेजिस्टेंस का कोई यूज ही नहीं रहेगा, मीन्स ये प्लेन सर्किट हो जाएगा, तो सिर्फ 6 3 9 6 3 हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, 6 3 अगर पैरेलल में हो गया इसके अक्रॉस तो आप पैरेलल करके निकाल लो, ठीक है, पैरेलल करके निकालो, उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, ये आर हमारा बीच में है 2 ओम, तो आप उसको पैरेलल करके निकालो, 2 2 हमारा 4 आ जाएगा, फाइनली जो भी आपका करना है, ठीक है, उसके बाद से आप रख लो, 4 अगर आ गया तो हमारा क्या रहेंगे T/4C, ठीक है 4C, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्यू मैक्स, ठीक, तो भी लिख सकते हो। और भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन में इसे कैसे निकालना है आपको, क्यू एट एनी टाइम टी ऑन द कैपेसिटर कैसे निकालना है, आपको पता है क्या निकालना है, क्यू मैक्सिमम (1 - C2 - T) अपॉन आर इक्वेलेंट इनटू सी। तो क्यू मैक्सिमम निकालने के लिए टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स, यही होता है। अगर ये निकालना है तो आप क्या करोगे, इसे ओपन सर्किट, जस्ट ओपन सर्किट, अब फास्ट करेंगे क्योंकि मैं कब से बता रहा हूँ ये चीजें, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ओपन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर यहाँ वी है, ये जीरो मान ले वी है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसी सर्किट में कर रहा है 3R and R, ठीक है, इधर ही कर रहा है, ऊपर तो नहीं कर रहा है, तो अगर उधर नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस देख लेते हैं, यहाँ पे 3R है, सॉरी 3R, ठीक है। तो अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ये तो प्लेन वायर है, तो ठीक है। अब ये वी है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, V/6R, ठीक है, V/ कितना कर रहा है 6R, तो V/6 कितना, V/6R करंट फ्लो कर रहा है, अगर V/6R करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3R से, तो कितना कितना हो गया इसमें ड्रॉप, V/2, तो यहाँ पे बचा कितना, V - V/2 दैट मीन्स V/2, तो यहाँ पे V/2, तो यहाँ पे भी V/2, तो यहाँ पे भी V/2, इसमें करंट ही नहीं जा रहा है तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे V/2, अब इसके अक्रॉस क्या हो गया V/2, तो क्यू मैक्सिमम आपका आ गया
सी वी बाई टू। ठीक है, अब हमें चाहिए आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट के केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को एक्ट एज ए प्लेन वायर। अब एक्ट एज ए प्लेन वायर मीन्स इसे हम लोग क्या कर लेंगे, ये प्लेन वायर हो गया, ये हमारा ये तो ऐसे कैसे ही रह गया, ये हमारा किसके अक्रॉस निकालना होगा, कैपेसिटर के अलावा मीन्स इसके अक्रॉस आपको आर इक्वेलेंट निकालना है, थ्री आर एंड आर, ये ऊपर आर ही है ना, हाँ आर है। ठीक है, तो अब आर इक्वेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्वेलेंट थ्री आर पैरेलल मीन्स थ्री आर बाई टू प्लस आर, हाउ मच आर इक्वेलेंट इसके अक्रॉस, आर इक्वेलेंट इक्वल टू थ्री आर पैरेलल में मीन्स थ्री आर बाई टू और ये आर सीरीज में मीन्स फाइव आर बाई टू। ठीक है, तो आर इक्वेलेंट भी निकाल गया, तो क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू मैक्सिमम मीन्स सी वी बाई टू वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई फाइव आर बाई टू, फाइव आर ए सी बाई टू क्या आ गया, ऊपर चला गया, दैट इज योर आंसर एक लाइन में। ठीक है, तो ऐसे आपको निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेई में आए भी हुए हैं, ऐसे आपको निकालना है। ऐसे ही आप अगर डिस्चार्जिंग के भी केस में देखोगे तो आप उसे इंटीग्रेट करो, मान लो कि यहाँ पे क्या है, चार्ज क्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर में दिया हुआ है, ठीक, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट मीन चार्ज, इस पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया, जब स्विच ऑन किया जाएगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो आप उसको भी क्या करोगे, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी करके उसे इंटीग्रेट कर लो, आपका फिर से आ जाएगा क्यू का फॉर्म। ठीक है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब कुछ जेई के प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखते हैं जेई 2005 का क्वेश्चन है जो चार मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, फोर मार्क्स में था जेई एडवांस में। ठीक, बोला जा रहा है टी इक्वल टू जीरो, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज किया जा रहा है। अगर स्विच को क्लोज किया जा रहा है तो बोला जा रहा है कि चार्ज क्या है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू माइनस अल्फा टी। ठीक है, तो आपको निकालना है क्यू नॉट एंड अल्फा से। तो हमें क्या पता है अपना इक्वेशन, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर इक्वेलेंट सी, यही तो है। तो अल्फा के प्लेस पे हमारा क्या आ गया, वन बाई आर इक्वेलेंट एंड सी, एंड क्यू मैक्स के प्लेस पे क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा एंड क्यू नॉट कैसे निकालते हैं। क्यू नॉट, क्यू मैक्सिमम कब होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, वही आपका होता है ये। ठीक है, वही इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब क्या करें हम, हमें तो पता है कि क्यू नॉट कैसे निकालना, क्यू नॉट मीन्स ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मीन्स कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन, ये हमारा ऐसे रहेगा, ये हमारा ओपन, ये ऐसे हमारा पोटेंशियल यहाँ पे वी, ये आर वन, ये आर टू। ठीक है, तो अब इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, आई, आई इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस आर टू, यही तो। यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा ये बताओ, ये अगर जीरो है तो ये भी जीरो जीरो, यहाँ पे क्या है वी है, तो इसमें ड्रॉप कितना हो गया, वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, इतने का ड्रॉप हुआ, कितने का ड्रॉप हुआ, वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू का ड्रॉप हो गया। तो हमारा यहाँ पे बचा कितना, वी माइनस दिस वन, v माइनस वी आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पे कितना हो गया फाइनली, v आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये हो गया यहाँ पे पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है जीरो, तो आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि हमारा इतना हो गया v आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो q मैक्स हमारा क्या आ गया, q मैक्स दैट मीन्स q नॉट हमारा क्या आ गया, v आर टू सी अपॉन आर वन प्लस आर टू, यही निकालना था। दूसरा में अल्फा, अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर इक्वेलेंट निकालना होगा। आर इक्वेलेंट के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को प्लेन वायर से, जैसे प्लेन वायर से मानेंगे ये और ये क्या हो जाएगा, आर वन आर टू क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जैसे पैरेलल हो गया तो आर इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो अल्फा निकालना है तो हमें अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई दिस आर इक्वेलेंट आर वन आर टू सी, ऊपर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू चला जाएगा, दैट इज योर अल्फा। यही क्वेश्चन था, फोर मार्क्स में था, सब्जेक्टिव टाइप, ये आपका जेई एडवांस 2005 का। तो हम लोग मेथड देख लिए, और भी क्वेश्चन देखते हैं जेई के। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 5 मार्क्स का था जेई एडवांस में। ठीक है, उस समय पहले जेई होता था तो उस समय हमारा क्या था, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, मीन्स 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। तो स्टेडी स्टेट करंट मीन्स ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट हो गया तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस हमारा यूजलेस हो गया, तो इसमें करंट सिर्फ इधर से इधर फ्लो करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इधर से इधर। तो इसका आर इक्वेलेंट प्लस ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इसका आर इक्वेलेंट कितना आ रहा है, अब बताओ, 2 ओम एंड 3 ओम का आर इक्वेलेंट
टू इंटू थ्री अपॉन टू प्लस थ्री, दैट मीन सिक्स बाई फाइव, 1.2 ओम, 1.2 ओम और 2.8 ओम ये हमारे सीरीज में आ जाएंगे, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 6 बाय 1.2 प्लस 2.8, दैट मीन्स 6 बाय 4, मीन्स 1. हाउ मच, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट इधर से फ्लो कर रहा है। ये तो सर्किट ओपन हो गया, स्टेडी स्टेट केस में तो ओपन हो गया, तो इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो 1.5 एम्पियर भी यहाँ पे भी गया, यहाँ से 1.5 एम्पियर। अब ये पता है कि पैरेलल का केस है, तो पैरेलल का केस में तो आपको करंट डिवाइड करने आता है, बहुत अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया सब कुछ, ठीक है। तो पैरेलल के केस में यहाँ पे क्या है, 2 ओम है, इधर क्या है, 3 ओम है, मान लो ये आई वन ये आई टू, तो आप क्या करते हो, पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस ये है, तो आप क्या करोगे, आई वन रेशियो आई टू इक्वल टू 1/R2 × 1/R1, दैट मीन्स 3:2 आएगा, ठीक है। 3:2 अगर 2 आ रहा है, मीन्स आई वन हमें निकालना है, तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3 + 2 × I, यही तो होगा, 3/5 × I क्या है, 1.5, दैट मीन्स हाउ मच, 3 × 0.3, 0.9 एम्पियर हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 0.9 एम्पियर। ओके, ये समझ में आया कितना। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं जो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ लिया, उसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, इजी हो जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जेई एडवांस के, आप लोग ट्राई करना, आपसे जरूर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कॉमेंट करें, जहां पे नहीं समझ में आएगा उसका आंसर मैं जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू।